कैंसर से जिंदगी का जंग हार चुके स्वर्गीय जेपी सिंघल की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके परिजनों ने मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय इमरजेंसी में मरीजों के सहायतार्थ एक स्ट्रेचर भेंट किया था तथा इलाजरत मरीजों को फल एवं बिस्कुट का वितरण किया। इस दौरान चिकित्सालय के CMS डॉक्टर राजकुमार गुप्ता के अलावा स्वर्गीय JP सिंघल की पत्नी मंजू सिंघल व उनके पुत्र रवि सिंघल के अलावा पूजा अग्रवाल, शिल्पी प्रतिभा, राहुल अग्रवाल, मिथिलेश, RP गुप्ता, सुबोध सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि JP सिंघल का इलाज जिला अस्पताल में किया गया। वे कैंसर के रोग से पीड़ित थे और उनका देवासन हो गया, जिसको लेकर उनकी पत्नी मधु सिंघल एवं पुत्र रवि सिंघल ने जिला अस्पताल के मरीजों के सहायतार्थ स्ट्रेचर दान स्वरूप दिया है, जिससे मरीजों को सहायता उपलब्ध हो सके। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए स्वर्गीय JP सिंघल के पुत्र रवि सिंघल एवं जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा। दे रहे क्या दे रहे हैं नाम रवि प्रकाश सिंघल, ये हमारे परिवार की तरफ से दिया गया है मरीजों के लिए, पिताजी की याद में दिया गया है। ये स्वर्गीय श्री JP सिंघल जी माननी यहाँ पर एक मानिंद यहाँ के निवासी रहे हैं गोरखपुर के, जो विगत वर्षों में कैंसर से पीड़ित थे और उनका इलाज यहाँ भी हुआ था, फिर हनुमान प्रसाद पोद्दार में हुआ था, वहाँ पर उनकी जो है देहावसान हो गया था। अपने अंतिम समय में उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि जिला चिकित्सालय में चूँकि उनकी बड़ी सेवा हुई है तो यहाँ पर एक स्ट्रेचर ट्रॉली वो डोनेट करना चाहते थे, तो उन्हीं की इच्छा के अनुरूप उनके परिजनों के द्वारा एक स्ट्रेचर ट्रॉली जिला चिकित्सालय को इमरजेंसी में उपयोग के लिए दिया गया है, दान स्वरूप दिया गया है। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इनकी ये सोच है जो चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी और लोगों की सेवा में कार्य काम आएगी।